ये हमने 1 किलो चिकन ले लिया है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको डाल देंगे। 2 चम्मच ज्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा अजीनोमोटो, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें, मैंने डाला है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। 1 चम्मच नींबू का रस डाल लेंगे, 1 चम्मच वाइट मिर्च पाउडर डाल लेंगे, 2-3 चम्मच दही डाल लेंगे, 1/2 चम्मच दो तीन घंटे पहले इसे करके रख देंगे, लेकिन उसके बाद में 2-3 घंटे हो जाएगा, फिर उसको फ्राई करेंगे। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, 3 घंटे हो गए इसे रखे हुए, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। रख दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए, इसको कैलॉक्स लगा के फ्राई करेंगे, अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ये 3 चम्मच हमने मैदा लेके उसको थोड़ा सा पानी डाल के बैटर बना लिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, पहले मैदा में डिप करेंगे, फिर कैलॉक्स में डिप करके फिर फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल लेंगे। मैं अपने हिसाब से मसाले डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालना, जितना आप तीखा खाते हो। अच्छे से पकड़ हो जाएगी इसकी। पहले हम थोड़े से लगा लेते हैं, फिर एक साथ फ्राई करेंगे। हमारा गरम तेल हो गया, फिर इसमें फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई हो गए, मैंने पलट लेते हैं। ये हमारा एक बैच तैयार हो गया, इसको निकाल लेंगे। ये हमारा चिकन एकदम फ्राई है, बढ़िया।